This is sodium oxide. इधर सोडियम आया नहीं है और ऑक्सीजन माइनस टू पर है, इसे हम सोडियम ऑक्साइड कहेंगे. व्हाइल इन दिस सिचुएशन सोडियम आयन है और ऑक्सीजन माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, दिस वुड बी कॉल्ड सोडियम पेरोक्साइड. बिकॉज ऑक्सीजन इज एट माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट्स एन पेरोक्साइड स्टेट. H2O, दिस वाटर, द नॉर्मल कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इस जगह पर हाइड्रोजन प्लस वन पर और ऑक्सीजन माइनस वन पर. वाटर को हम चाहे तो हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं. व्हाइल इन दिस सिचुएशन H2O2, इधर हाइड्रोजन प्लस वन पर है और ऑक्सीजन के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां आएगा माइनस वन. दो हाइड्रोजन प्लस वन पर, दो हाइड्रोजन टू एक्स पर, एंड सम टोटल मस्ट बी जीरो. इस जगह पर ऑक्सीजन माइनस वन पर दिखने लगेगा, मतलब इधर भी ऑक्सीजन एक्सेप्शनल कंडीशन पर है, पेरोक्साइड कंडीशन पर है. दिस कंपाउंड वुड बी कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. This compound is called hydrogen peroxide, a very interesting reagent. इस reagent के बारे में 11th standard में ही अगले chapter में hydrogenates compound में बड़े detail में हम पढ़ेंगे. Done. The next situation is this BaO. The normal condition, barium at plus 2 oxidation state and oxygen at minus 2 oxidation state, the compound would be called barium oxide. While BaO2, इसमें हम देखें, ध्यान रहे, बेरियम जो कि अल्कली अर्थ मेटल है, इसके लिए हमने ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल फिक्स्ड बोल रखी है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हमेशा प्लस टू पर ही होगा. कंपाउंड में बेरियम हमेशा प्लस टू पर होगा. अकॉर्डिंगली अब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेट होगी, बेरियम की हमने प्लस टू लिखी, दो ऑक्सीजन एक्स पर, the sum total is zero, oxygen is at minus one oxidation state. Once again, here oxygen at minus one means oxygen at peroxide state. Either oxygen peroxide state par hai, this would be called barium peroxide. इसे हम बेरियम पेरोक्साइड कहेंगे. एक्सेप्शनल ऑक्सीजन इधर भी हमें दिख रहा है. K2SO4, नॉर्मल पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम के लिए प्लस वन, सल्फर के लिए एक्स, चार ऑक्सीजन के लिए माइनस टू, सल्फर आपको प्लस सिक्स पर दिखेगा. Now, Na2S2O3. अब देखिए Na2S2O3, अब इंटरेस्टिंग रिएजेंट, इसको जरा डिटेल में समझाऊंगा मैं. Na2SO4.
This compound is called sodium sulfate. इसे हम sodium sulfate कहते हैं. The compound is like this. यह कंपाउंड इस तरह का है. यह सोडियम सल्फेट होगा. अब इस सोडियम सल्फेट में सोडियम प्लस वन पर, यह सोडियम प्लस वन पर, यह चारों ऑक्सीजन माइनस टू पर, और यह सल्फर प्लस सिक्स पर होता है. ये चारों ऑक्सीजन माइनस टू पर और यह सल्फर प्लस सिक्स पर. अब मैं Na2S2O3 इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं. Na2S2O3 इस सोडियम सल्फेट में, बाकी सब कुछ ऐसा कैसे ही रखूंगा, सोडियम सल्फेट में सब कुछ ऐसा कैसे, सिर्फ इस एक ऑक्सीजन को हटाया और इसकी जगह पर एक सल्फर रख दिया. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Na2S2O3. इस तरह से जब हम एक ऑक्सीजन को हटाते हैं और उसकी जगह पर एक सल्फर रख देते हैं, सच कंपाउंड इज टर्म्ड एज, जब भी ऑक्सीजन को हटाकर सल्फर लगाया जा रहा है तो वहां पर एक टर्म लिख दिया जाता है थायो. थायो मीन्स ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर एटम. ऑक्सीजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर एटम. इस कंपाउंड को हम कहेंगे सोडियम थायोसल्फेट. सोडियम सल्फेट नाम है. इधर एक ऑक्सीजन को हटा के सल्फर रखा गया है तो एक टर्म बीच में जोड़ दिया जाता है थायो. सोडियम थायोसल्फेट. अब इस जगह पर मैं आपको एक बार बताता हूं. वंस अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अब दो कंसेप्ट हम साथ साथ कहेंगे. यदि हमको सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करना है, जो कि आगे के हमारे चैप्टर का टास्क है, सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं. एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे? दो सोडियम के लिए प्लस वन, दो सल्फर के लिए 2x और तीन ऑक्सीजन के लिए माइनस टू. द सम टोटल मस्ट बी जीरो. The sum total must be zero. Upon solving, you'll get the average oxidation state of sulfur is plus 2. इस जगह पर सल्फर का जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगा वहां प्लस 2 दिखेगा. Although the fact is, this compound का exact structure देखने समझने के बाद हम यह बात कह सकेंगे कि इसमें एक सल्फर, यह वाला जो है, यह तो प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही है जैसे कि इधर था, और यह वाला सल्फर यह इस ऑक्सीजन के माफिक माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट पर है. सोडियम थायोसल्फेट में एक सल्फर प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और एक सल्फर माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट पर है. बट the
average oxidation state of the two sulfur atom is plus 2. हम reaction को balance तो इस concept से भी कर सकेंगे, मगर यदि हमसे exact oxidation state पूछा जाएगा कि दोनों sulfur का इसमें oxidation state क्या है, तो यह structure बना के कहेंगे one sulfur is at plus 6, another is at minus 2, their average may be taken as plus 2. This is sodium thiosulfate. अब इसके बाद में Na2SO4O6 का पहले बताने के बजाय H2SO5, H2S2O8 और Na2S2O8 इनका बताता हूं, फिर इस पर आऊंगा. देखिए, this compound H2SO5, it's also called Caro's acid. Caro's acid. इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट समझाने से पहले लेट मी डिस्कस अबाउट ऑक्साइड्स एंड पेरोक्साइड्स. ऑक्सीजन जब माइनस 2 पर है तो इसको हम ऑक्साइड कहते हैं, और यदि किसी कंपाउंड में दो ऑक्सीजन इस तरह से जुड़े हुए हों, दो ऑक्सीजन आपस में इस तरह से एक साथ जुड़े हुए हों, इसे हम कहते हैं पेरोक्सी लिंकेज. दिस इज टर्म्ड एज पेरोक्सी लिंकेज. इस पेरोक्सी लिंकेज में दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस 1 पर होता है, यहां पेरोक्साइड्स होते हैं. दिस ऑक्सीजन आर टर्म्ड एज पेरोक्साइड्स. H2O2 का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है. H2O2 इसी तरह से होता है. H इसमें यह हाइड्रोजन प्लस 1 पर, यह हाइड्रोजन प्लस 1 पर, यह दोनों ऑक्सीजन माइनस 1 पर, इसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं. इसी तरह से Na2O2 में भी कुछ ऐसा ही होता है. Na2O2 में सोडियम आयन और इस ऑक्सीजन पर माइनस 1, इस ऑक्सीजन पर माइनस 1 और यह सोडियम आयन. दिस इज टर्म्ड एज पेरोक्सी लिंकेज. कहीं पर भी यदि पेरोक्सी लिंकेज है तो वहां ऑक्सीजन माइनस 1 पर होते, यह पेरोक्साइड्स होते. BaO2 में भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है. BaO2 में दोनों ऑक्सीजन माइनस 1 पर और बेरियम 2 प्लस पर, यह भी बेरियम पेरोक्साइड होता है, जिसका डिस्कशन अभी अभी हमने क्लास में करा है. अब मैं पेरोक्सी लिंकेज को इसलिए समझाया हूं क्योंकि ये जो कैरोस एसिड है H2SO5, इसमें भी पेरोक्सी लिंकेज ही है. इसका स्ट्रक्चर हम सबसे पहले देखेंगे और स्ट्रक्चर देखने के बाद फिर हम यह सोचेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कही जाए. H2SO5 का यह स्ट्रक्चर होता है. देखिए H2SO4 का यह स्ट्रक्चर है. दिस इज H2SO4.
H2SO4 है, हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड. इस H2SO4 में इस जगह पर एक और ऑक्सीजन आकर जुड़ जाता है, यह बन गया H2SO5 केरोस एसिड. अब इस केरोस एसिड के इस स्ट्रक्चर को देखकर अब हम यह बात समझ जाते हैं कि इस केरोस एसिड में पेरोक्सी लिंकेज है. इसमें एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और फर्दर यह दोनों ऑक्सीजन किसी और से और जुड़े हुए. इस जगह पर इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में यह जो बॉन्डिंग, यह जो लिंकेज दिख रहा है, इसे हम पेरोक्सी लिंकेज कहेंगे. और इस पेरोक्सी लिंकेज में इन दोनों ही ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 कहा जाएगा. दे आर एक्सेप्शनल ऑक्सीजन, दे आर एक्सेप्शनल ऑक्सीजन, दे आर इन पेरोक्साइड, दे आर इन पेरोक्सी लिंकेज. अब इन दोनों एक्सेप्शनल ऑक्सीजन को समझने के बाद क्या अब आप किसी समय केरोस एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बता पाओगे कि इस कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? अब हमें साफ साफ समझ में आ जाएगा. अब वैसे यदि हम इस पेरोक्सी लिंकेज को नहीं समझते तो देखिए हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहते हैं. हम दो हाइड्रोजन का +1 कहते, सल्फर का X कहते और 5 ऑक्सीजन का -2 कहते और इसके टोटल को हम 0 कहते. और इस तरह से हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 दिखता. मगर क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 हो सकता है? क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से एक्सीड कर सकता है? कभी नहीं. यदि इस तरह से करके सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 कहा जाएगा तो वह गलत आंसर कहलाएगा. यह गलत आंसर, प्लीज माइक को बंद रखिए, सिर्फ पूछने के लिए जवाब देने के लिए माइक ऑन कीजिएगा प्लीज. सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यदि आप इस तरह से कैलकुलेट करके +8 कहते हो देन दैट वुड बी द रॉन्ग आंसर. सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ऊपर कभी हो ही नहीं सकता. इस जगह पर गलती यह है कि हमने सभी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ले लिया जो कि नहीं है. हम एग्जैक्टली इसके स्ट्रक्चर को देखने के बाद अब हम कहेंगे दो हाइड्रोजन का +1, इन दोनों हाइड्रोजन का +1 और 3 ऑक्सीजन है जिनका -2. इस ऑक्सीजन का भी -2, इस ऑक्सीजन का भी -2, इस ऑक्सीजन का ही -2. 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका -2 और 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो पेरोक्सी लिंकेज में है, इनका -1 और सल्फर का X. दसम टोटल इज 0. इस तरह से कैलकुलेट करने पर हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही दिखाई देगा. H2SO5 जो कि केरोस एसिड है, इस केरोस एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और इन दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है. यह पेरोक्सी लिंकेज में दिस इज अबाउट H2SO5. अब इसी तरह से मैं डिस्कशन कराता हूं H2S2O8 के बारे में. वंस अगेन हियर ऑल्सो वी हैव एन एक्सेप्शन. अब एक और बात, आर यू रियली एक्सपेक्टेड टू नो ऑल दिस स्ट्रक्चर्स? क्या वाकई में आप सभी को ये सारे स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए? हां पता होने चाहिए, मगर आप अभी चिंता मत कीजिए. एट दिस स्टेज व्हेन यू आर 11th स्टैंडर्ड,
अभी आप लोग एक बार पहली बार इन स्ट्रक्चर्स को देख रहे हो, आगे आपको और भी केमिस्ट्री पढ़नी है, इन सभी कंपाउंड्स को फर्दर पढ़ना है। आगे जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो अपने आप जब दो या तीन बार इस तरह के कंपाउंड्स आप देख लोगे तो आपके दिमाग में यह एक्सेप्शन हमेशा बैठ जाएंगे, इनके स्ट्रक्चर्स भी बैठ जाएंगे और फिर आपको बार बार ऐसी तकलीफ नहीं आएगी। वंस अगेन H2S2O8 ये भी एक एक्सेप्शनल सिचुएशन बना रहा। किस तरह से जरा देखिए, हम यदि H2S2O8 इसमें ध्यान से बिल्कुल भी नहीं सोचे और अभी तक के समझे हुए रूल को बिल्कुल ऐसे कैसे सब्स्टिट्यूट कर दे, तो कुछ ऐसा करेंगे, दो हाइड्रोजन प्लस वन पर, दो सल्फर 2x पर और आठ ऑक्सीजन -2 पर। इट्स अ न्यूट्रल कंपाउंड, हेंस दिस सम टोटल मस्ट बी इक्वल टू 0। हम इस तरह से करेंगे और इस तरह से इसको सॉल्व करने पर हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 2 और 14 और x इज इक्वल टू प्लस 7। इस तरह से हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 7 कहेंगे। मगर क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 7 कहना क्या यह सही है? मैंने अभी अभी बताया है कि सिक्स्थ ए ग्रुप के यह जो एलिमेंट है इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो इनका मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 ही होगा। प्लस 6 से ज्यादा इनका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता। इस जगह पर कैलकुलेशन से यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 7 बोल रहे हैं तो निश्चित यह गलत आंसर है, यह गलत ऑक्सीडेशन स्टेट बताया हुआ है। हमें बड़े ध्यान से सोचना होगा और कंसेप्ट को सुधारना होगा। इस जगह पर सही ऑक्सीडेशन स्टेट बताने के लिए हमें H2S2O8 के एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को देखना होगा। H2S2O8 इट्स ऑल्सो कॉल्ड मार्शल्स एसिड और इट्स ऑल्सो कॉल्ड पर सल्फरिक एसिड, इसको हम पर सल्फरिक एसिड भी कहते हैं। H2S2O8 इट्स ऑल्सो कॉल्ड मार्शल्स एसिड और पर सल्फरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2S2O8। दो हाइड्रोजन दो एंड पर, दो सल्फर और आठ ऑक्सीजन किस तरह से लगे हुए हैं जरा देखिए। तीन ऑक्सीजन इस सल्फर से, तीन ऑक्सीजन इस सल्फर से और दो ऑक्सीजन के बीच में। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पर सल्फरिक एसिड और मार्शल्स एसिड। इस स्ट्रक्चर को देखते से ही एकदम से हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, हियर वी हैव गॉट एक्सेप्शनल ऑक्सीजन एटम, हियर वी हैव गॉट पेरोक्सी लिंकेज। इस जगह पर एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है
और इन टर्म यह दोनों ऑक्सीजन फर्दर और सिंगल बॉन्ड बनाए हुए. नाउ दिस इज एक्सेप्शनल बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज पेरॉक्सी लिंकेज. इस पेरॉक्सी लिंकेज में यह दोनों ऑक्सीजन माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट पर है. इसीलिए क्योंकि वहां पर पेरॉक्सी लिंकेज है इसीलिए इस नाम में पर टर्म आ रहा है. दिस पर PER, दिस डिनोट्स दैट देयर इज अ पेरॉक्सी लिंकेज. पर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल अपने अपने हाइड्रोजन को हटाकर इस तरह से आपस में जुड़ गए. अब नाउ वन कैन इजिली कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर. या हम कहेंगे यह दोनों हाइड्रोजन प्लस वन पर, यह तीन ऑक्सीजन इधर के माइनस टू पर, तीन ऑक्सीजन इधर के माइनस टू पर, दो हाइड्रोजन प्लस वन, छह हाइड्रोजन माइनस, छह ऑक्सीजन माइनस टू और दो ऑक्सीजन माइनस वन, दो सल्फर. द सम टोटल मस्ट बी इक्वल टू जीरो. अपॉन कैलकुलेशन यू विल फाइंड कि यह दोनों सल्फर इधर प्लस सिक्स पर ही हैं. सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स से ज्यादा वैसे भी हो ही नहीं सकता. दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्सेप्शनल ऑक्सीजन एंड सल्फर मार्शल एसिड पर सल्फ्यूरिक एसिड. अब Na2S2O8 यही H2S2O8 में इस तरह से ऑक्सीजन माइनस वन पर और सोडियम आयन इधर भी, सोडियम आयन इधर. यह है Na2S2O8. दिस Na2S2O8 This is called sodium persulfate. This would be called sodium persulfate. इसमें दो ऑक्सीजन माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, छह ऑक्सीजन माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और दोनों सल्फर प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट पर. अब मैं डिस्कस करता हूं Na2S4O6 का. यहीं पर हम कहते हैं यह जो सोडियम पर सल्फेट है, इस सोडियम पर सल्फेट में इन दोनों ऑक्सीजन को हटाकर इनकी जगह पर सल्फर रख दिया गया है. इन दोनों ऑक्सीजन को हटाकर इनकी जगह पर सल्फर रख दिया गया है तो यह बन गया सोडियम Na2S4O6. अब Na2S4O6 के बारे में एक बात मैं बताता हूं. यदि रिएक्शन बैलेंस करने वाली बात आए तो इधर हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट से भी काम चला सकते हैं. सिर्फ रिएक्शन को ही बैलेंस करने की बात आए तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट से भी काम चल जाता है. किस तरह से? हम इधर दो सोडियम के लिए प्लस वन, चार सल्फर के लिए 4x
और 6 ऑक्सीजन के लिए -2 लिखकर इसको 0 से इक्वेट कर सकते हैं. 4x इज इक्वल टू 12 -2 इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 2.5 प्लस. हम इधर सल्फर का प्लस 2.5 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखकर आगे जो हमें रिएक्शन बैलेंस करना है वो काम तो कर सकते हैं. मगर यदि कोई सवाल ऐसा हो जिसमें बिल्कुल साफ पूछा गया हो कि Na2S4O6 में ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है अलग अलग एलिमेंट के, इन दैट केस हमें यह स्ट्रक्चर बनाना होगा. और इस स्ट्रक्चर को बनाकर इसको सोचकर फिर हमें यह कहना होगा कि दोनों सोडियम का तो प्लस वन, 1, 2, 3, 4 इन चार ऑक्सीजन का -2, इन दोनों ऑक्सीजन का जो कि परॉक्सो लिंकेज में है, इन दोनों ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. और जरा सल्फर के लिए देखिए, इन दोनों सल्फर का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाएगा. ऑक्सीजन को हटाकर जो सल्फर लगाए गए हैं, इन दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और इन दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 कहा जाएगा. और जब हम ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगा देते हैं तो नाम में क्या फर्क आता है? नाम में हम थायो टर्म जोड़ देते हैं, थायो. तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे सोडियम पर थायोसल्फेट. यदि कहीं पर भी ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगाया जाता है तो वहां पर एक थायो टर्म जुड़ जाता है. थायो डिनोट्स दैट अ ऑक्सीजन एटम इज बीइंग रिप्लेस्ड और बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय अ सल्फर एटम. दिस कंपाउंड वुड बी कॉल्ड सोडियम पर थायोसल्फेट या फिर सोडियम थायो पर सल्फेट. थायो वर्ड एक बीच में जुड़ जाएगा जिससे हम इस चीज को डिनोट कर देंगे. नाउ K2O, दिस इज द नॉर्मल कंपाउंड पोटेशियम ऑक्साइड. इधर पोटेशियम +1 पर और ऑक्सीजन -2 पर. वाइल KO2, ये तो ऑक्सीजन के साथ मैंने एक्सेप्शन में ऑलरेडी बताया था, दिस इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. इसमें पोटेशियम +1 पर और ऑक्सीजन x पर 0 एंड दिस x कम्स आउट टू बी -1/2. दिस इज कॉल्ड पोटेशियम सुपरऑक्साइड. F2O को भी मैं ऑलरेडी एक्सेप्शन में बता चुका हूं, दिस एन एक्सेप्शनल ऑक्सीजन. इधर फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है और इधर ऑक्सीजन का +2 होएगा. दिस इज द ऑक्सीजन विच इज एट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, द ऑनली कंपाउंड वेयर ऑक्सीजन इज एट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. इसके अलावा ओजोन के लिए भी ऐसा कहा जाता है. ओजोन O3, इसमें भी हम कहते हैं यह स्ट्रक्चर है और इसमें इन दोनों ऑक्सीजन का कंबाइंड +2 कहते हैं और इस एक ऑक्सीजन का कंबाइंड -2 कहा जाता है. ऐसा सोचा जाता है कि जैसे इन दोनों ऑक्सीजन ने मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रखे हैं इसलिए यह -2 पर, और यह दोनों ऑक्सीजन मिलकर चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसलिए इसका +2. ओजोन के लिए भी हम कुछ इस तरह की बात करते हैं. दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एंड एक्सेप्शनल ऑक्सीजन एटम. Now,
in my next article, tell me the oxidation state of nitrogen and phosphorus. Oxidation state of nitrogen phosphorus arsenic. Antimony, bismuth. This are fifth A group element. मैं ढेर सारे compound वाले लिखा हूं जिसमें nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. यह element है N, P, antimony is denoted by SV, bismuth by BN. Up. N2 ammonia ammonium ion SNO3 SNO2 NO3 negative NO2 negative N3N NaNO3 NaNO2 KNO3 KNO2 Mg3 N2 Ln N2O5 NO2 N2O3 NO N2O NH4Cl NH4OH CH3 CCl3 CCl5 B2O5 S3PO4 PO3 S3 PO2 PO4 3 negative CH3PO4 all twice इन सभी कंपाउंड में इसी समय नाइट्रोजन और फास्फोरस ये भी मैंने लिखे हैं सबसे पहले तो इन सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को समझकर फटाफट लिख दीजिए